देश में एक तरफ जहां लॉकडाउन के बीच छूट को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में देश में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 1301 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। देश भर में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र राज्य को झेलनी पड़ रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रीत, देखिए लगातार जिस प्रकार से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र को यहां पर झेलनी पड़ रही है। हर जगह पर देखिए लॉकडाउन तो है ही, और कल से यानी कि 4 मई से तीसरा फेज शुरू होने वाला है, तो क्या इंतजाम फिलहाल किए गए हैं? क्योंकि अब बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनौतियां साथ ही बढ़ चुकी हैं। जी बिल्कुल मनीषा, चुनौतियाँ बेहद जरूर बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, नए इंतजाम किए गए हैं हर स्टेट की ओर से, चाहे वो दिल्ली हो या महाराष्ट्र, दोनों ही शहर जो है कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनके मामले में काफी आगे चल रहे हैं बाकी राज्यों के मुकाबले। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली तीनों ही राज्यों में, हालांकि आज केंद्र सरकार की ओर से जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनकी तरफ से ये बताया गया कि देश भर में 10,633 पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में ये भी एक अच्छी बात है, साथ में जिस तरीके से कोरोना पेशेंट्स को जिस तरीके से मदद मिल रही है, जो तमाम जो लोग हैं जो कोरोना पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं उनके लिए आज सम्मान दिवस बनाया गया। कोरोना के जो शहीद हैं उनके लिए सम्मान की बात है। तो ये आज जिस तरीके से सेना के जो तीनों जो सेनाएं हैं उनके हेडक्वार्टर्स की ओर से, उनके जो प्रमुख हैं उनकी ओर से भी इस बात के लिए सम्मानित किया गया। उनको साथ में ही हेलीकॉप्टर हो या सुखोई हो या MiG-17 हो, तमाम जो फाइटर प्लेन हो हेलीकॉप्टर को उनकी ओर से फूल बरसाए गए। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के सभी राज्यों में इस तरीके से सम्मान दिया गया। और देश भर में सबसे ज्यादा पेशेंट की बात करें कोरोना के, तो वो एम्स में है, तो एम्स के ऊपर इस तरीके से फूलों की बारिश की गई। दिल्ली का जो वॉर मेमोरियल है वहां पर इस तरीके का नजारा देखने को मिला। केंद्र सरकार की ओर से भी तैयारियां की जा रही है, लोग भी बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं उन जो वॉरियर्स हैं उनको। इस बीच ये देखा गया कि जो सेना है वो केवल लोगों को जो है उसका जो शौर्य है वो दमखम है, वो केवल सम्मानित करने के लिए नहीं है, वो सीमा पर भी है। जिस तरीके से आज हंदवाड़ा में कश्मीर में देखने को मिला 5 जो सैनिक है वो शहीद हो गए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि एक तरफ सेना जो है अपने बॉर्डर्स पे अपना काम कर रही है, फाइट कर रही है, देश को जो तमाम जो आतंकवादी है उनसे बचा रही है, और पुलिस बल जो है लोगों को कोरोना से बचा रहे हैं उसके लिए फाइट कर रही है। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सबसे खास बात आज ये रही कि पुष्प वर्षा से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जो इस संकट के दौर में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लोग लगातार कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं, कोरोना को हराने का संकल्प जिन्होंने लिया है उनका मनोबल बढ़ाना भी बेहद जरूरी हो जाता है।